एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने स्ट्रिंग फ्लाई वाला इफेक्ट किस तरह से क्रिएट किया। तो सबसे पहले मैंने सेम मेथड यूज़ किया जो रैथ वाली वीडियो में यूज़ किया था, जैसे कि कैरेक्टर की शेडो कैसे दिखानी है और कुछ फ्री ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स यूज़ किए थे डस्ट के लिए और ब्रेकिंग इफेक्ट के लिए। तो ग्रीन स्क्रीन यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ किया था मोशन निंजा ऐप। तो ये रियलास्टिक सा स्ट्रिंग फ्लाई इफेक्ट मैंने फ्लिपर क्लिप में कैसे बनाया, तो आज का वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च करनी है स्ट्रिंग फ्लाई की कोई भी रेफरेंस इमेजेस जिसके अकॉर्डिंग आप इसे ड्रॉ करोगे। तो कोई एक इमेज सिलेक्ट करके मैं उसे फ्लिपर क्लिप में इम्पोर्ट करूँगा और फिर ड्रॉ करना शुरू करूँगा। तो इसे रियलास्टिक वे में ड्रॉ करने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि लाइट कहाँ से आ रही है और शेडो किस तरफ को बनेगी। तो जिस तरफ को शेडो बनेगी उस तरफ आपको डार्क कलर से ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी लेग का कलर ग्रीन है तो सबसे बाहर मैं ब्लैक कलर यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं डार्क ग्रीन कलर यूज़ करूँगा। तो जितना मैं इसे अंदर की तरफ ड्रॉ करता जाऊंगा उतना ही कलर को लाइट करता जाऊंगा। सबसे बाहर डार्क ग्रीन, फिर थोड़ा लाइट, और जितना ज़्यादा अंदर होगा उतना ज़्यादा इसे लाइट करता जाऊंगा। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए तो इसके आर्म पे जूम करते हैं कुछ इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हो एक तरफ से लाइट पड़ रही है और दूसरी तरफ शेडो है। तो जिसका शेडो वाला पार्ट है वहाँ पर सबसे अंदर को मैं डार्क ग्रीन करता हूँ, बाहर लाइट ग्रीन, उसके बाद और लाइट ग्रीन, और सबसे बाहर सबसे ज़्यादा लाइट ग्रीन करता हूँ कुछ इस तरह से। तो सेम चीज़ मैंने इसके फेस पे भी की है, आप लोग देख सकते हो सबसे अंदर डार्क ग्रीन, फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन, फिर और लाइट ग्रीन कुछ इस तरह से। तो अगर आप फ्लिपर क्लिप पे कुछ रियलिस्टिक सा 2D एनिमेशन करना चाहते हो तो आपको कुछ इस तरह से करना है। और इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि लाइट किस तरफ से पड़ रही है और शेडो किस तरफ को बनेगी। तो यहाँ से आगे जो ये वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि एनिमेशन मैंने किस तरह से बनाया था, तो आपको इसे समझने में थोड़ी और ज़्यादा आसानी होगी।